क्या जिंदगी दौड़ है? सब भाग रहे हैं, जाना कहाँ है नहीं पता। जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, कुछ पाने की चाहत है। खुद को भूल चुका, पाना क्या है नहीं पता। ये सब क्यों कर रहे हैं नहीं पता। खुद को कभी जाना नहीं, खुद से बात कभी की नहीं। क्या खुद को समय दिया कभी? एक बार रुककर सोचें कभी। अल्पविराम, अल्पविराम, यह एक प्रक्रिया है खुद को जानने की, पहचानने की, सुनने और समझने की, कहानी परिवर्तन की। आइए जानते हैं अल्पविराम क्या है। अल्पविराम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद से मिलने की एक प्रक्रिया है। अल्पविराम का जैसे शाब्दिक अर्थ है कि अल्पविराम मीन्स एक छोटा सा ब्रेक लेना है या पॉज लेना है। अल्पविराम मेरे अनुसार शांत समय लेना, स्वयं से मुलाकात करना अल्पविराम है। अब हम जानते हैं कि अल्पविराम हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। जब हम वो समय लेते हैं, शांत होते हैं, तो हमारे अंदर की जो आवाज है वो हमें बहुत क्लियरली सही और गलत को याद दिला देती है। अपने अंदर की बुराइयों को और अपने अंदर की अच्छाइयों को हम देख पाते हैं, और लगातार यदि हम अल्पविराम लेते हैं तो हमारे अंदर की बुराइयों को धीरे 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 हम दूर करने में सफल हो पाते हैं। जैसे जैसे हम खुद के संपर्क में आते हैं तो हमें अपनी खुद की वास्तविक आवश्यकताओं का, अपनी परिस्थिति का ज्ञान होता है, और फिर हम वैसा निर्धारण खुद के लिए कर पाते हैं। तो जैसे हमारा खुद से संपर्क हुआ, तुरंत हमें सुधार होने लगता है और दिशा मिलती है। अब हम जानते हैं अल्पविराम का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अल्पविराम लेने के बाद मुझे ये महसूस हुआ है कि मेरा जो रिश्ता है खुद से वो बेहद मजबूत हो गया है। मैंने अपने गुस्से पर नियंत्रण पाया है, और जो चिंताएं हैं उनसे मुक्त होकर मैं चिंतन की ओर बढ़ी हूँ। जो झूठ बोलने की फितरत मेरे अंदर थी उसको मैं पूर्ण रूप से निकाल पाया हूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यूथ्स अपने इन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाना चाहते हैं तो, और अपने से रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं तो, एक बार अल्पविराम जरूर ज्वाइन करें। निकालिए थोड़ा सा वक्त खुद के लिए और लीजिए अल्पविराम आज ही। www.anandsansthanmp.in पर जाएं और अपना आनंदक पंजीयन कराएं। राज्य आनंद संस्थान के साथ।